ये कहानी है बलिया के रहने वाले अतुल कुमार राय की, जिन्हें लोग बतौर फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर और नॉवेल राइटर के रूप में जानते हैं। हाल ही में अतुल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई पंकज त्रिपाठी की फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा में बतौर डायलॉग राइटर काम किया है। बलिया से बॉम्बे में आया 23 जनवरी था और 2021 का साल था। अब बक्सर से ट्रेन पकड़ी, छोटा सा एक बैग था, उसमें ढेर सारे ख्वाब थे। तो कहते इस बात की हुई कि 4 महीना बाद जो है पेंडेमिक का जो दूसरा वेव था, वो स्टार्ट था और 1 महीने मैं एकदम रूम में बंद रहा मैं। तो उसमें इतना डर लगा, इतना अकेलापन, इतना एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन लगा कि भाग जाऊंगा। क्या था कि 6 महीने से बेरोजगार था और अक्टूबर का महीना था, इसी में पंकज भैया का मेरे पास फोन आया। तो वहां से इसकी यात्रा जो है स्टार्ट हुई। पंकज भैया के साथ फिल्म की स्टार्टिंग होना ही बड़ी बात है। आज एक सफल राइटर बनकर उभर रहे अतुल का सफर आसान नहीं था। 10वीं में था तो पापा की एक जॉब थी जो छूट गई, तो उस समय रहने की, खाने की, पढ़ने की दिक्कतें थी। लेकिन हाँ, उस स्ट्रगल ने आज मुझे फायदा दिया है। आज उसकी ही देन है कि मेरी जो राइटिंग है उसमें एक तरह की परिपक्वता दिखती है। घर के हालात ठीक नहीं थे तो अतुल ने 10वीं में तबला बजाकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। जहाँ तक तबले वाली बात है तो ये मैं 10वीं में था और उस समय ये था कि तबला में एक तरह से ठीक से पढ़ लूँ और जो आर्थिक समस्याएं थी वो शायद न होंगी। इससे ही जो है ना तबले में अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। दुनिया को, समाज को देखने की जो दृष्टि है वो संगीत में हमको दी। संगीत का मैं विद्यार्थी न होता तो मैं राइटर न होता। शेर दिल द पीलीभीत सागा के बाद अब इंडस्ट्री में लोग अतुल को उनके काम के जरिए जानने लगे हैं। शेर दिल के बाद बदलाव तो ये हुआ है कि काम पाना पहले से आसान हो गया। अब लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री में इसका काम है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।